खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में पौधारोपण जन आंदोलन 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा था, परंतु जनपद चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायतों में इकट्ठे पौधों को रखकर सुखाया जा रहा है और कागज में पौधारोपण लगाया जा चुका है, जबकि सरकार की तरफ से हर जनपद में प्रभारी मंत्री लगाए गए थे ताकि लक्ष्य पूरा हो सके, लेकिन सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। 5 जुलाई को मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने नौगढ़ आकर पौधारोपण किया था और सरकार की योजनाओं की तारीफ की थी। क्या इस तरह लक्ष्य पूरा हो रहा है? इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सुदामा सिंह यादव ने बताया कि 100% ग्राम पंचायतों में पौधारोपण किया गया है। पौधों की सूखने की बात कहने पर हमें पता नहीं की बात करके मुकर गए। प्रजातंत्र टीवी उत्तर प्रदेश की सरकार एवं जिला अधिकारी चंदौली का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, किस तरह ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं पर आईना दिखाते हुए पानी फेरने का कार्य जोरों से चल रहा है, आखिर क्या कारण है, अधिकारी मौन क्यों हैं? पंचायतों में पौधरोपण किए गए हैं, इसके संदर्भ में सर बताएं, कुछ पौधे सूखने की जानकारी प्राप्त हो रही है इसके संदर्भ में। विकास खंड नौगढ़ में इस वर्ष ग्राम विकास का पौधरोपण का लक्ष्य 1,47,400 था, जिसमें 5 तारीख को 1,04,654 पौधे, 6 तारीख को 10,318 और 7 तारीख को 10,318 पौधे लगने थे जो लग गए हैं, शेष 22,110 पौधे 15 तारीख को लगाए गए। ये पौधे जो 5, 6 और 7 तारीख को लगाए गए थे, उसके बाद से बारिश न होने के कारण कुछ पौधों को क्षतिग्रस्त या मुरझाने की सूचना मिल रही है, जिसको प्रयास किया जा रहा है कि वो जिंदा रहें। बारिश के अभाव में ही पौधों का थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, बारिश होती पौधे तो लग जाते। बसौली डुमरिया में सर एक जगह पर इकट्ठे पौधे देखने को मिले जो सूख रहे हैं, इसके संदर्भ में बताएं। नहीं, ऐसी जानकारी तो हमको नहीं है एक जगह इकट्ठे पौधे सूखने की, क्योंकि हमने जो है समूह की दीदियों को, आवास के लाभार्थियों को, किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को पौधों का वितरण करा दिया है, बाकी पौधों को सामूहिक स्थलों पर मैंने लगा दिया।